नागिन आ गए आई आ गया आई आ गया आई जोर आ गया ही उधर रुको उधर रुको हां यार बोलो वीडियो वाले बस यहां पे यहां से सर ए इधर भी फोटो के एकदम सेंटर में थोड़ा सा घूम ए पीला लाइट क्यों मार रहे भाई अमर यस भाई जरा मोहित्रा जी इधर यहां पे देखिए अरे गाड़ी जाने दो भाई वो तो क्यों लुक सेंटर खान साहब खान साहब खान साहब यहाँ खान साहब पवित्र जी एकदम सामने बोलो खान साहब इधर अरे खान साहब क्या बोल रहे हैं यार ये लोग सामने देखिए पहले तो गणपति बप्पा मौर्य क्या क्या कहना चाहोगे सर के बारे में 49th ईयर पूरे हुए आज सर को इस साल गणेश उत्सव में आपका कहना चाहोगे ये बूम नीचे लो ना सारे और हमेशा इधर आते रहता हूँ विशाल नीचे लो बिलो ने हीरो ने सीन है यस वाला जरूर की था मैडम थोड़ी लेट हो गई आज शूटिंग से आते हैं यस हम लेट हो गए शो को तो काफ़ी प्यार मिल रहा है काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई शो को आपको काफ़ी प्यार अच्छा मिल रहा है क्या कहना चाहोगे नफरत मिल रही है नफरत नफरत में भी प्यार है सर नहीं नहीं आई एम वेरी हैप्पी बहुत खुशी होती है और इनफैक्ट हमारा जो शो है और जो शो तो नहीं चैनल बोलूँगी वो इंडिया नंबर वन आपके लिए सिटी ऑफ जो है एसोसिएशन जो है संदीप जी के साथ कैसा है और मतलब कि आप आज आए एसोसिएशन ये है कि संदीप ने मैं टीवी नहीं करता क्योंकि जब आप बालाजी में काम कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक एड फिल्म में देखा था और मेरे भाई को फ़ोन किया था कि तू एक्टिंग करने लगा है फाइनली मेरे भाई ने बोला कि वो एजाज है तो मैं उनसे मिलने आया और वहाँ से मेरा टीवी का एक्टिंग करियर शुरू तो मेरे ससुर प्ले कर रहे थे वो मेरे पहले शो में केसर में अरे बहुत बहुत करीबी है मेरे और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने हाँ मुझे भी बालाजी में लॉन्च करने वाला संदीप ही थे यस और सिटी ऑफ ड्रीम 3 के बारे में क्या कहना चाहोगे मुस्टैच रखी है आपने उसके लिए ये उसके लिए ही है और 5 साल हो गए सिटी ऑफ ड्रीम्स को करते करते आप लॉस को भी 5 साल हो गए यस हाल ही में शूटिंग कर रहा हूँ वो भी ऐसा लगता है घर वापस आए हो मैं सबसे मिलना सबके साथ काम करना उतना हेक्टिक भी नहीं है पहले जैसे है तो पहले सीजन में हर एक सीन के लिए अलग अलग लोकेशन हुआ करते थे इसमें आसानी से कर रहे हैं कभी पहला सीन था मेरा मसीह का जैसे मार्च करके आया yes. तो बाद में बोलना पड़ेगा अभी नहीं हाउ इज द इंजरी राइट नाउ इंजरी इज मच बेटर यार रिकवरी चल रही है और ठीक ही हो रहा है सब कुछ आने वाले समय में शो के बारे में कुछ बताना चाहोगे किस क्या कुछ होने वाला है एनी चेंजेस आज गणपति बप्पा मौर्या है ऊपर गणपति बैठे हैं संदीप का दिन है आज हाँ मैं नजर का टीका लगाई ना इन्होंने नहीं मैम वो प्यार है हमारा हम तो बोलते हैं माशाल्लाह आने वाली आगे चल के बहुत सारे ट्विस्टिंग टर्न्स मिलेंगे ऑफ कोर्स ये डायन गुल खिलाती रहेगी नागिन को पछाड़ती रहेगी आपने जब है ना नागिन की प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने आपकी शो के बारे में भी बात की और चर्चा की मतलब जो नागिन के डायरेक्टर एकता मैम के तो क्या कि बहुत ही आपका शो भी बहुत अच्छा चल रहा है और आपके काम को भी लोग पसंद कर रहे हैं तो वो उन्होंने ऐसा कहा वो डायरेक्टर ने मतलब दूसरे के शो कौन से डायरेक्टर उन्होंने बोला इन फ्यूचर भाई उनको ट्विस्ट लाना पड़ रहा था ऐसा वो कह रहे मैंने कहा ना कि हमारा शो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है ऑडियंस से और वैसे जी तोड़ हम लोग मेहनत नहीं करते हैं शायद इसीलिए और हमारे राइटर्स हमारे प्रोड्यूसर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इट्स अ थैंकफुल मोमेंट रंजन सर को तो मैं बहुत मैं ही इज लाइक अ गुरु टू मी मैं उनके पैर ही छूती हूँ हमेशा जब भी सेट पे भी जब भी नागिन किया था तो पैर ही छूती थी एजाज भाई आप क्या कहना चाहोगे
जाओगे इनके किरदार के बारे में, काफ़ी क्लोजली आप जानते हो बिग बॉस से, वो जो जर्नी हमने देखी है अब तक की जर्नी, शो के बारे में कुछ तारीफ कर दीजिए। तारीफ मैं बताती हूँ, ये क्या बोलते घर आते, तुम असली वाली हो कि तुम सेट वाली हो, ये सोचने में सही मिटाए हो। इसको लगने लगा है कि आजकल वो जो बोलती है वो होने लगा है, सच बोल रहा हूँ। हाँ। सच बोलो, इसको लगने लगा है कि वो डायन में जो ऐसे करती है ना, सच में ऐसे होने लगा। मैं बहुत ज्यादा कैरेक्टर में रहती हूं ना, थोड़ा संभाल रहा हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आ जा, एक एक नहीं बस, अरे हटो, अरे कर।